ओम शांति मुझे मेरा अंदर एक बात है जो मुझे में रुक रहा है इसीलिए मैं ज्ञान में आया तो जब देखा ऑनलाइन कोर्स किया तो मेरे अंदर एक डर छुपा है तो उसको मैं जितना कोशिश तो कर रही हूँ तो मुझे अभी भी सूक्ष्म है तो उसके उसके के मैं क्या कह सकता हूँ भाई जी हम्म देखो सबसे बड़ी बात क्या है डर में नहीं है सबसे पहले मुझे समझना है मैं कौन मैं तो आत्मा हूं ना अब आत्मा तो हर प्रकार के डर से मुक्त है डर किन चीजों का होता है तो अपने पास आप लिख लो डर पता है किस चीज का होता है कुछ खो जाने का डर अब अपने से पूछो कि जिस चीज का मुझे डर है क्या मैं उसे लेके पैदा हुई थी या जिस चीज का मुझे दुख है क्या मैं उसे लेके पैदा हुई थी पूछे सब अपने आप से बहुत ध्यान सोचने की बात है सपोज मुझे शरीर के मरने का डर हो कि ये मर जाएगा तो क्या मैं लेके पैदा हुआ था क्या ये मैं हूं नहीं ना तो डर मुझ में नहीं है मैं तो आत्मा हूं आत्मा तो एनर्जी है एनर्जी में डर कैसे हो सकता है डर उस संकल्प में है जो मेरा संकल्प इस दुनिया में किसी चीज से अटैच हो गया है समझ आ रहा है भैया है ना जो मेरा अटैच हूँ तो मुझे अपना वो अटैचमेंट पहले समझना पड़ेगा जिस चीज से मेरा अटैचमेंट है उसको डायरी पर लिखो और अपने से काउंसलिंग करो कि मुझे मैं इससे क्यों अटैच हूं मुझे इससे क्या चाहिए क्यों चाहिए इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा जब ऐसे विचार सागर मंथन करके अपने मन के उस संकल्प को साध दोगी तो डर कहां पर है उस संकल्प में मन में मैं मन नहीं हूं मन मेरा है इसलिए मैं डर भी नहीं हूं डर भी संकल्प में है बस ये क्लियर तो ये अभ्यास जब आप करेंगी जितना डिटेचमेंट का अभ्यास करेंगी और अपने डरों को लिख लेंगी ना मैं कुछ खो सकती हूं ना मैंने कुछ खोया है तो ना मेरा कोई डर है ना कोई सारे डर किस बात में आई टू लूज समथिंग कहीं मेरा कुछ खो ना जाए सारे दुख किस बात में आई लॉस समथिंग मेरा कुछ खो गया ये दो भावनाएं दुख और डर को जन्म देती है और जब मैं सोच लेती हूँ मैं कौन आई एम सोल अब जब मैं तो आत्मा हूं तो जो भी मैंने खोया है वो तो विनाशी ही था खोने के लिए ही बना था जो भी खोने का डर है उसे भी खोना ही है चाहे मैं डरू या ना डरू तो बस निश्चिंत हो जाए मैं मुझे एक बात है कि मैं भी कर सकते क्या पुरुषार्थ बाबा के प्यार पाने का आपको पुरुषार्थ करना ही नहीं है आपको तो बस आत्मा बन जाना ना पुरुषार्थ क्या होता है पुरुषार्थ होता है पुरुष कहते हैं आत्मा को अर्थ कहते हैं मीनिंग को जब मैं आत्मा अपने अर्थ में स्थित हो जाऊंगी बस यही पुरुषार्थ है और जब तक ऐसा मुझे कुछ पुरुषार्थ करना है एक्चुअली एक्टिविटी पुरुषार्थ नहीं होते जैसा लोगों ने मुर् सुनी ये तो एक एक्टिविटी है मैंने योग लगाया वो तो एक एक्टिविटी है पर वो एक्टिविटी वो किसके लिए है आत्मा बन जाने के लिए तो जब तक आप इन एक्टिविटी को मेहनत मानोगे कि मैं कर सकती हूं कि नहीं कर सकती या इनसे मैं बाबा करीब चली जाऊंगी आप दस बार मूल्य सुन लो तब भी बाबा करीब नहीं जाओगे नहीं जाओगे जब तक कब तक नहीं जाओगे जब तक आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करके एप्लीकेशन में नहीं लाओगे समझ आ रही बात तो पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं आप एंजॉय करो वो बनने का जो आप हो बस बार बार अपने संकल्पों को साधने की तरफ लेकर के जाओ नेचुरल योग किसे करना है अच्छा नेचुरल योग किसे कहते हैं ये पूछा है क्या जी भाई जी नेचुरल योग कैसे करना है अच्छा नेचुरल योग कैसे करना है बहुत सिंपल है हम सदा ही योग की स्थिति में हैं मैं तो ऐसे समझ गया आपको बता देता हूं इस समय भी आप चेक कर लो आप सब इस समय योग में बैठे कैसे बैठे हो ऐसे नहीं कि यहां पर बाबा को याद कर रहे हो किसी का अपने बेटे से योग लग रहा होगा किसी का अपनी नौकरी से योग लग रहा होगा किसी का किसी और चीज से योग लग रहा होगा सब योगी बैठे योग तो हमारा हर समय लगा हुआ है इसका मतलब हमें निरंतर योग करना आता है लेकिन बस उसका पॉइंट चेंज करना है अब वो चेंज करने का तरीका क्या है बहुत सिंपल बात बताऊंगा आपको हमें कौन सी चीजें अपने आप याद आती हैं लिस्ट बना लो उन चीजों की वे वे चीजें होती हैं जिनसे हमें या तो कोई लाभ हो रहा हो प्राप्ति हो रही हो या उनमें हमें कोई डर हो आप चेक कर लो या तो व्यक्ति को दोस्त याद आता है या तो दुश्मन याद आता है दो हैं या तो वो याद आता है जिससे बहुत प्यार होता है या तो वो याद आता है जिससे बहुत घृणा होती है तो पहले उनकी लिस्ट बना लो और वो किस किस कारण से याद आ रहे हैं उन सारे कारणों को बाबा के पास ला करके जस्टिफाई करा लो और फिर बाबा में देखो कि बाबा से सर्व संबंधों से मुझे क्या क्या मिल सकता है जो मैं बाहर देख रही हूं तो फिर योग नेचुरल हो जाता है एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका क्या है दूसरा एक बहुत सिंपल तरीका है ब्रह्मा <laughs> बाबा याद करना है नहीं ब्रह्मा बाबा याद नहीं करना है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है याद शिव बाबा को करना है सारी बीमारी खत्म हो जाए इसके लिए कैसे योग करें कैसे भी नहीं भाई इससे रिलेटेड एक और भी है कि साकाश कैसे दे ये दोनों एक जैसे ही हाँ। सकारात्मक सकाश होती क्या है सत्य का प्रकाश सकारात्मकता की आश यानी जब मैं सत्य बन जाऊंगी तो मुझसे सकारात्मकता अपने आप फ्लो करेगी मुझे किसी को भी सकाश देने की जरूरत नहीं है मुझे सकास बनने की जरूरत है जैसे मैंने मेरी लाइट ऑन कर दी अब मेरे संपर्क में कोई भी आएगा वो उस लाइट से लाइट हो जाएगा यहां यही गलती हम कर रहे हैं हम हम सोच रहे हैं दें बाबा ने सकास बनने की बात की है सकास देने की बात नहीं की है समझिए इस बात को ध्यान से जो बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको आप अगर लाल लाल की लाइट बने हुए हो तो कोई भी आएगा तो लाल हो जाएगा ना आपके कमरे में लाल लाइट है तो पीलिए तो पीला हो जाएगा नीलिये तो नीला हो जाएगा माना मैं आत्मा मेरे संकल्पों की वाइब्रेशन से जैसी बनी हुई हूं तो अब जो भी आत्मा मुझसे संपर्क करेगी मनसा सा बचा करवना उसे वो फीलिंग अपने आप जाएगी और जब मैं देने का सोचूंगी तो फिर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई कि मैं कुछ दे रही हूं मैं कुछ ले रही हूं मुझे ना किसी को कुछ देना है ना मुझे किसी कुछ लेना है मुझे सिर्फ बनना है जो मेरे बाबा की आज्ञा है दैट्स इट जो बीमारियों के लिए योग कर रहे हैं मतलब ही नहीं है अगर योग से बीमारियां उस रूप में अब ठीक है दुनिया में देखो कई तरह के योग होते हैं मैं तो आपको रियल बताऊं मैं सोचता हूं ब्रह्मा बाबा की जो बाबा ने किया बाबा क्या कहते हैं बाबा ने अपनी खांसी के लिए कभी योग नहीं किया ना बाबा ने अपनी डायबिटीज के लिए योग किया ना हमारी दादियों ने अपनी किसी बीमारियों के लिए योग किया कितनी सारी बीमारियां आई बस उन्होंने तो सिर्फ योग किया वो बनने का जो वो है वो तो इस शरीर के रोल में जो जो बीमारी आनी है आती रहेगी जैसे जैस जाती रहेगी उसके लिए मुझे अभ्यास करना है मुझे इस शरीर को लेके जाना है डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर के पास लेके जाना है कहीं और जाने लेके जाना है हाँ मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हुई शक्तियां जागी उन शक्तियों के जागने से जो बॉडी में केमिकल चेंजेस आएंगे उनसे कोई बीमारी हील हो गई हो गई पर मैं बीमारी के लिए योग करूं कि मैं कौन सा योग करूं बीमारी खत्म हो जाए ये एक सही कॉन्शियसनेस नहीं है इट जस्ट अ टाइम वेस्ट इट जस्ट अ टाइम वेस्ट ऐसा करके आप कभी हम यहां विकर्म विनाश करने आए हैं हमें बस एक ही बीमारी विनाश करनी है काम क्रोध लोमो अहंकार के जो संस्कारों के जो भरे हुए हैं बस वे विनाश करने और वो भी विनाश क्या करने वो मर्ज करने विनाश कभी कुछ नहीं होता है वो क्या होता है दब जाता है कल युग फिर से आएगा फिर जाग जाएंगे भी? वो आप में ही बस मर जाते हैं रिकॉर्डिंग आगे चली जाती है वो स्मृतियां जैसे हम बचपन की बहुत सारी बातें आज भूल चुके हैं आप सब भूल चुके हैं ना बचपन की बहुत सारी बातें क्या याद है आपको नहीं भूल गए और जिस जगह भूल जाते हैं उसका अच्छा और बुरा प्रभाव फिर मन पे पड़ता ही नहीं तो स्मृति से स्थिति जो है वो ये कहती है तो इसलिए हमें जो अभ्यास दूसरा तरीका जो मैं नेचुरल योग का बता रहा था एक और चीज आप क्या कर सकते हो बाबा की शिक्षाओं को लगातार स्मृति में याद रखना बाबा को याद रखना है जैसे हम अपने मम्मी पापा को याद करते हैं तो मम्मी पापा की फोटो लेके थोड़ी घूमते रहते हैं मम्मी पापा ने क्या सिखाया मम्मी पापा की क्या शिक्षाएं थी वो हमें याद आते मम्मी पापा याद आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है बाबा की महिमाएं बाबा आप देख रहे हो कई बार से आप मुरलीम कहते हैं मेरा बत्तीस गुणों वाला चित्र तो क्यों कह रहा है बाबा जो तो बत्तीस गुणों के याद करेंगे तो बाबा ही तो याद आएगा हर गुण के साथ हु? हर वक्त अपना लक्ष्य याद रखना लक्ष्य दाता को याद रखने का सहज तरीका है बाबा की शिक्षाओं को याद रखना बाबा को याद रखने का सहज तरीका है बाबा की आज्ञाओं को याद रखना बाबा को याद रखने का सहज तरीका है बाबा के फरमानों को याद रखना बाबा को याद रखने का सहज तरीका है बाबा की मुरली क्या है बेसिकली ध्यान सुनिएगा बहुत गहरी बात है ये बाबा की मुरली है बाबा के भाव अपने बच्चों के प्रति बाबा का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात करती है तो माँ बच्चे से क्या कहती है तू मेरी भावनाएं नहीं समझा तैने सिर्फ मेरी बात सुनी पर तू मेरी भाव नहीं समझा बोलते हैं ना बहुत सारे माँ बाप बच्चे आजकल अपने माँ बाप के भाव नहीं समझते तो अब अपने से पूछो मैंने अपने बाबा के भाव को समझा या मैंने अपने बाबा की बात सुनी सिर्फ अगर आपने इस मुरली में कही गई बातें सुनी तो आपको बाबा समझ में नहीं आया और यदि आपने उस बात के पीछे के भाव को समझने का प्रयास किया जिसके लिए जरूरी है विचार सागर मंथन तब बाबा समझ में आएगा आपको डीपली समझ आई पूरी बात क्लियर हो गया सबका जी आ, भाई जी किसी और ने चैट बॉक्स में पूछा है कि पवित्रता और पावनता में क्या अंतर है आ. पवित्रता प्रोसेस है पावनता डिग्री है पवित्र ब्राह्मण हो सकते हैं पावन सिर्फ देवात्माए जब आप पावन बन जाते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं है ना और जब आप पवित्र होते हैं तो आप आत्मा को पवित्र बना रहे हैं लेकिन वहां पर शरीर आपका अपवित्रता से ही पैदा हुआ है तो पावनता आपकी डिग्री है पवित्रता उसका पुरुषार्थ है तो हम अभी पवित्रता का पुरुषार्थ कर रहे हैं जिससे हम देवता रूपी पावनता की डिग्री को प्राप्त कर लेंगे और जब यहां पर भी हमारी डिग्री ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण पावनता की हो जाएगी उसी पल शरीर छूट जाएगा ये वाला पवित्र शरीर पावन आत्मा के पास रह ही नहीं सकता इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो कोई भी रीजन बन जाएगा तुरंत शरीर छोड़ देगा और पावनता भी कितनी आएगी ध्यान समझिएगा पावनता भी हरेक की अलग अलग आएगी क्योंकि डिग्री हरेक के अलग नंबरों से होनी है हम उतने ही पावन बनेंगे जितने पावन परमधाम से नीचे उतरे थे हर आत्मा चाहे कलयुग की आत्मा है चाहे सत्युग की आत्मा है कोई भी आत्मा है ठीक है जी और कोई सवाल जी एक पर्सनली भेजा है कि हमें ज्यादा सोचने की आदत है तो उसको कैसे हटाऊं कुछ ना कुछ ख्याल आते ही रहते हैं कंटिन्यू बस, बस उसका सब्जेक्ट चेंज कर दो खूब सारे ख्याल आते हैं कोई दिक्कत नहीं मुझे खूब सारे ख्याल आते हैं बस बाबा के बारे में ही आते हैं क्या प्रॉब्लम है ज्यादा ख्याल आना प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा ख्याल किस सब्जेक्ट के बारे में आ रहे हैं वो प्रॉब्लम है क्लियर हुई पूरी नहीं सब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज चेंज करो बार बार और चेंज करने का तरीका क्या है इमेजेस चेंज करो आप 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 देखो जैसे आप, आप अभी मैं यहां पर करा नहीं सकता लेकिन आप एक इमेज देखो कोई भी बाबा के चित्र समझ जाओ आप आत्मा के सामने खड़े हो जाओ और उसमें ढूंढो इसमें क्या क्या चीज दिखाई हुई है आप देखना आपका ध्यान हट जाएगा तुरंत ही उसके बारे में लिखना शुरू कर दो ऐसे में परमात्मा के सामने खड़े हो जाओ कल वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ उन चित्रों के जिस चीज का चित्र सामने लाओगे मन के भाव संकल्प वहीं केंद्रित होने शुरू हो जाते हैं आप थोड़ी देर बाबा के सामने जाकर खाली बैठ जाओ आपका तो क्या संकल्प आ रहे आते रहने दो बस बैठ जाओ आप देखना पंद्रह बीस मिनट के बाद में आपका मन ना बाबा के विषय में सोचना शुरू कर देगा मन की एक खास बात है ये आंखें जिस चीज को शरीर की आंखें जिस चीज को ज्यादा देर तक देखती रहती हैं थोड़ी देर बाद मन की एक आदत है बुद्धि की एक आदत है वो उसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देगा ये मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक बताई है याद करने की आप करके देख लेना आप कभी भी मेरे को मेरे लग रहा है मन ज्यादा भाग रहा है मैं कुछ में बैठ जाता हूँ बस अब मैं बैठा हूं, तेरे को देख रहा हूं तू मेरे को देख रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना मेरा योग लग रहा है ना मैं परम धाम जा रहा हूँ ना मैं कुछ और सोच रहा हूँ सिंपल हो जाता बाबा को बुलाते तब बाबा साकार में आने के क्या लिखा पता नहीं पढ़ नहीं पाया जी हाँ आ, भाई जी आ, आ, किसी ने साथ में ये भी पूछा है कि वरदान दोबारा समझा सकते हैं वरदान दोबारा समझा सकते हैं सिंपल सी बात है देखिए वाणी की सेवा और मनसा की सेवा इन दो को समझना है जो सकाश वाली बात आ रही थी उसमें एक बात समझना है हमें इंटेंशंस जानने का प्रयास करना है हमें एक्शन नहीं देखने हमारी गलती क्या होती है एक बात सोच रही कोई कुछ भी एक्शन कर रहा है मेरा एक सवाल है हर बैठे हुए इंसान से ध्यान से सुनना मेरी बात को

जी वो काम आप अपनी खुशी के लिए करती हैं या दुखी होने के लिए करती हैं खुशी के लिए खुशी के लिए करती हैं अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए करती हैं या बेइज्जती करवाने के लिए करती हैं नहीं इज्जत बड़ी रहे बरकरार रहे इसके लिए उसके लिए करती हैं फायदा नहीं? कमाने के लिए करती हैं नुकसान कमाने के लिए करती हैं फायदा फायदा कमाने के लिए करती हैं सफल होने के लिए करती हैं या असफल होने के लिए करती हैं सफल होने के लिए ठीक है अच्छा बनने के लिए करती हैं बुरा बनने के लिए करती हैं बहुत अच्छा बनने के लिए अब ये सारे जवाबों से एक बात आपको क्लियर हो गई लेकिन क्या जितने कर्म करती हैं उनसे आपको हर कर्म से ये सारी चीजें मिल पाती हैं कई बार नहीं भी मिलती होंगी जी जी बिल्कुल पर आपकी इंटेंशन क्या थी इंटेंशन अच्छा यही थी इज्जत पाना सुख पाना अच्छा बनना हाँ। बेहतर बनना ये सब ये आपकी इंटेंशन थी जी लेकिन एक्शन उसके अनुरूप नहीं हुआ वो आपकी समझ के अनुरूप हुआ पर आपकी इंटेंशन तो गंदी नहीं थी ना जी। तो ऐसे ही दुनिया में कोई इंसान कुछ भी कर रहा है उसकी विधि कुछ भी है भले वो आतंकवादी भी क्यों नहीं है एक्चुअली उसकी इंटेंशन खुशी पाना है उसी कर्म से जी बहुत सुंदर ये समझिए इस बात को इसका मतलब क्या है कि मुझे इंटेंशन देखनी है एक्शन नहीं एक्शन देखूंगा तो क्रोध आएगा इंटेंशन देखूंगा तो प्रेम आएगा क्योंकि आत्मा अपनी नेचर उसकी विधि गलत हो सकती है किसी की एक्ट गलत हो सकती है इसलिए कहते हैं पाप से नफरत करो पापी से नहीं यह मनसा सेवा का मेन उद्देश्य है यही आज का वरदान कहना चाहता है कि आप अपनी स्थिति बनाओ आपकी स्थिति को देखकर दूसरे की स्थिति बदल जाए आप प्रेरणा के स्रोत बन जाए आप एक ऐसी इंस्पिरेशन बन जाएं कि उनका योग आपको देखकर लग जाए जैसे हमारा अपनी दादियों को देख के लग जाता था दादियों के पास भी जाते थे तो बाबा ही याद आता था है ना वो वाली स्थिति हमें लेकर के आनी ठीक है जी आ, दो आत्माओं ने हैंड रेस किया है हाँ, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पारुल है? पारु, हाँ पारुल भट्ट जी आपको अनम्यूट किया है अनम्यूट करिए पारुल भट्ट ऑप्शन ऑप्शनल है उसमें माँ को बच्चों को कुछ सिखाना हो तो साक्षी होकर कैसे सिखाएगा बिल्कुल साक्षी सिखाएगी उसको ये समझना चाहिए कि बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो मेरी लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है जब माँ समझदार बन के उसको समझाएगी तो माँ ये भूल जाएगी तो समझा किसको रही है जैसे मैं टीचर हूं मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं अगर मैं टीचर बन के पढ़ाऊंगा तो मैं बच्चे को अच्छा कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा लेकिन यदि मैं स्टूडेंट बनकर पढ़ाऊंगा मैं उस बच्चे के स्तर पर जाके जब मैं ये याद कर लूंगा कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे कितनी बात समझ में आती थी तब मैं उसको अच्छा समझा पाऊंगा क्योंकि फिर मैं उसकी पीड़ा समझ पाऊंगा मैं उसका दर्द समझ पाऊंगा मैं उसका स्टड समझ पाऊंगा ऐसे मां बाप होते हैं बच्चों को समझाने जाते हैं समझदार बनके समझदार बनके मत समझाओ पहले अपने बच्चे से पूछो कि वो कितना समझना चाहता है वो जो कुछ भी कर रहा है पहले उसके काम में इंटरेस्ट लेना सीखे सारे माँ बाप आपको अच्छा कुछ भी गलती सी भी कर रहा है अरे वाह बेटा बड़ा मजा आ रहा होगा आपको करने में अच्छा मुझे भी बताओ कि आपको इसमें क्या मजा आ रहा है आप किस एम से कर रहे हो क्योंकि उसका एम भी मजा पाना है उसका एम भी अच्छा ढूंढ रहा है वो भी खुशी ढूंढ रहा है उसे उसी कर में मजा आ रहा है और आप जा खलर डाल रहे हो उसके मजे में तो पहले उसे जान लो भले वो गलत भी कर रहा है और जब ये जानोगे तो उसको लगेगा मेरी इज्जत की गई मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो कितना सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऊपर ऊपर आ गया जब आता है तो माइंड की लर्निंग कैपेबिलिटी ऊपर आ जाती है और जब माइंड की लर्निंग कैपेबिलिटी ऊपर आ जाती है तो क्या होता है फिर फिर बच्चा आपसे अब अब जब जब वो बता दे आपको उसको बोलो बेटा देख यहां यहाँ पे चैलेंज नहीं लग रहा तेरे को ये चैलेंज आएगा तो तू कैसे करेगा आप सब कुछ मत समझा उसको वो कहां कहां गलती कर सकता है उसके निर्णय गलतियां कहां हो सकती है बस वो वाली गलती उसको दिखाओ बेटा देखो तुम ऐसे करोगे तो ये नहीं हो सकता बेटा तुम ये वाला काम करोगे तो देखो ये नहीं हो सकता देखो आप वो कहेगा हाँ यहां तो मैं फंस जाऊंगा तो बेटा मैं अपना अनुभव शेयर करूं आपसे है ना अगर आपकी परमिशन हो अब इससे बच्चे को लगेगा मतलब मेरे... मतलब मैं भी परमिशन लेने के योग्य इंसान हूं मेरे से भी परमिशन ली जाएगी इससे आपका बेटा राजा बेटा बनेगा क्योंकि आप उसे राजा की तरह ट्रीट कर रहे हो कि दास की तरह ठीक है भाई भाई ये जी आप बताइए कितने अच्छे आपने समझाया मुरली को शुक्रिया बाबा है ना शुक्रिया बाबा का बाबा कराने वाला है इतने अच्छे फैमिली मिली है ब्राह्मण परिवार उसका शुक्रिया शंकर भाई कुछ पूछ रहे हैं शायद शंकर भाई जी शंकर भाई अनम्यूट करिए ओम शांति भाई जी ओम शांति जी भाई अब जो बोले कि एक, एक जो माँ बच्चा बनकर उसी स्टेज पर आकर उसको संभालना है जैसे लाइफ में हर टाइम में कभी बच्चे के साथ तो माँ बन के करना है फिर जॉब में जाएंगे तो वहाँ पे टीचर होगा तो फिर तो स्टूडेंट के साथ भी करना है कि दूसरे जगह हम दूसरा कुछ पार्ट है तो वो जो मिक्स होता है ना उसी के हिसाब से चेंज हो जाता है ना उसके लिए अटेंशन देना पड़ता है क्या होता है दस परसेंट अनएक्सपेक्टेड आएगा आपके सामने ये आपने फील भी किया होगा जैसे आप अपनी जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे नाइनटी परसेंट घटनाएं वैसी होंगी जैसी एज यूजल होती है दिनचर्या में दस परसेंट अनएक्सपेक्टेड आ जाएगी एकदम से अचानक से कुछ तो उसके लिए क्या करना है खुद को यह तैयार करके जाना है कि मुझे अनएक्सपेक्टेड घटना पर बस इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना उसका एक फॉर्मूला है जो मैंने जिंदगी में अपनाया और मैं सदा सफल रहा उससे क्या है वो फार्मूला हम जीवन रूपी यात्रा पर हैं और यात्रा का एक नियम होता है रेड लाइट स्टॉप येलो लाइट थिंक ग्रीन लाइट गो मतलब जब भी कोई बात आएगी बस मैं इमीडिएट जवाब देने से बचूंगा चाहे वो बात कितनी भी कीमती की क्यों ना हो मेरा बॉस मेरे को कभी बोलता था कि नहीं नहीं ये काम अभी ऐसे करके होना है मैंने कहा सर थोड़ी क्षमा करेंगे देखिए आप तो मेरे से बहुत विद्वान है आपको इमीडिएट समझ में आ जाती है मैं थोड़ा सा कम समझदार हूं मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए देन आई विल रिस्पॉन्ड मतलब मैंने एक नियम बना रखा था कि मैं किसी से भी बोलूंगा तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैं मीठा ना बोल पाऊं और तब तक मैं जवाब नहीं दूंगा जब तक उसका सुलझा हुआ जवाब मेरे पास में ना हो मैं थोड़ा टाइम मांग लूंगा और ऐसा कहीं नहीं होता जो टाइम नहीं देते मैंने भी नौकरी करी है और सब जगह टाइम भी मिलता है चीजें मिलती है एक बात हमेशा याद रखिए जॉब में आप जहां पर भी हो एक तो अपने बॉस से ज्यादा खुद को साइन मत कीजिए कभी भी बॉस को हमेशा बड़ा ही बना के रखिए इसे चा, कुछ चाप कुछ लोग कहते हैं चापलूसी नहीं हो जाएगी भैया चापलूसी नहीं हो जाएगी निरंकारिता हो जाएगी परमात्मा ने एक शिक्षा दी है बीके को तो जरूर ध्यान रखना चाहिए जिसको मान चाहिए उसको मान दो जिसको शान चाहिए उसको शान दो जिसको सम्मान चाहिए उसको सम्मान दो जहां झुकना वहां झुक जाओ बड़े वहां पे अहंकार मत दिखाओ कि मैं करूंगा। मैं करूंगा हमेशा बोलता था देखो जी आप तो ज्यादा समझदार है तभी आप हमारे बॉस हैं हम तो देखो छोटे हैं है ना तभी आपके जूनियर में काम कर रहे हैं या तो आप गाइड कर दो या थोड़ा समय दे दो अगर आप हमसे ही चाहते हो बस ज्यादा नहीं बस मुझे दस मिनट का टाइम दे दो अब मुझे इतना पता था मैं योग योग लगाता हूं मैं योगी हूं तो मैं पता है मैं दस मिनट में जाकर के विचार कर लूंगा तब मैं जो जवाब दूंगा वो जवाब ठीक जाएगा बस मुझे पांच मिनट दे दो दस मिनट दे दो इमीडिएट जवाब देने से बचना शुरू करें स्टॉप अच्छी बात आ जाए तो भी स्टॉप बुरी बात आ जाए तब भी स्टॉप इमीडिएट अपने एक्सप्रेशन देना बंद करें देखो जिंदगी सुंदर हो जाएगी एक बार दूसरी बात आपके जितने सपोर्टिव होते हैं है ना चाहे आपके घर में हैं चाहे आपकी जॉब के स्थान पर हैं उनके जूते में पैर रख के सोचना सीखें प्रॉब्लम क्या होती है मैं सिर्फ चीजों को अपने एंगल से देखता हूं सामने वाले के एंगल से मैं देखने का प्रयास भी नहीं करता हूं क्योंकि मुझे मेरे एंगल से देखना कंफर्टेबल लगता है दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम जबकि मैंने अभी जो आपको एक एक्टिविटी एक, 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 एक करके बताई मोनिका बहन के साथ में कि जो कोई जो कुछ भी कर रहा है वो खुशी के लिए कर रहा है इज्जत पाने के लिए कर रहा है जय शंकर भाई अभी सोचो मैं आपको कोई काम असाइन करता हूं अनम्यूट करिए अपने को मैं आपको कोई काम असाइन करता हूं आप वो काम बेस्ट करोगे या वस्ट करोगे अपनी समझ से बेस्ट कम्पल बेस्ट करोगे लेकिन करोगे तो अपनी समझ और शक्ति से ही ना एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड एट द लेवल ऑफ योर नॉलेज नॉट एट माइन क्या आप वैसे बात कर सकते हो वो सोच सकते हो जो मैं सोच रहा हूं इस समय पे नहीं बिकॉज यू आर अ डिफरेंट माइंड यू आर अ डिफरेंट इमोशन आई एम अ डिफरेंट माइंड डिफरेंट इमोशन तो हम क्या कर रहे हैं हम डिफरेंट माइंड डिफरेंट इमोशन से डील कर रहे हैं अच्छा मुझे सारे काम किसके माइंड इमोशन से करने चाहिएएंगे मेरे से सामने वाले को किसके से अच्छे लगेंगे उसके से इसके मन से इसका मतलब सच्चा प्यार क्या कहता है मुझे सच्चा प्यार कब अनुभव होगा जब कोई मुझे मेरे तरीके से काम करने की आजादी देगा इसका मतलब सामने वाला भी कब प्यार महसूस करेगा मुझसे जब मैं उसे उसके तरीके से काम करने की आजादी दूंगा मैं भी वो तरीका गलत अपना सकता है तो मैं केवल बात कह सकता हूं कि देखो मेरा यह अनुभव रहा है आप चाहो तो ये अनुभव भी यूज कर लेना थोपूंगा नहीं दो एटीट्यूड दुनिया के सबसे गंदे एटीट्यूड ने लिख लो आप एक करेक्शन एक सजेशन इनसे बचो यदि आप किसी को करेक्ट करते हैं तो आप कभी रिश्ता अच्छा नहीं बना सकते और यदि आप दूसरों को बिन मांगे सलाह दे, देने वाले सलाहकार हैं तो भी आप किसी रिश्ते को अच्छा नहीं कर सकते होप्सो जो आप जानना चाहते थे आप तक बात पहुंची ओके सर ठीक है समसं ओम शांति जी जी भाई जी हाँ uh, uh, अभी किसी और का भी है <laughs> अभी टाइम uh, को देख के लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हाँ, हाँ? लास्ट. Uh, जी, uh, जी, uh, आ, आ, ओम शांति भाई जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी भाई जी एक छोटा सा डाउट मतलब मुरली से नहीं है ये हुँ. सेशन का यूट्यूब मिल सकता है क्या यूट्यूब में है ये तो मोनिका बहन बताएंगे जी जी इसका तो, रिकॉर्डिंग हो रहा है आपको मिलेगा ग्रुप में भी डाला जाएगा जी अच्छा और दूसरी बात और मुझे है, भी भेज देना मोनिका बहन जी जी जरूर आपको तो फर्स्टली भेजेंगे <laughs> रोज का है क्या ये क्लास फाइव फिफ्टी टू सेवन ओ क्लॉक नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे क्लास रोज है मोनिका बहन का रोज होता है मतलब मेरे, मेरा नहीं रोज होता है भाई जी भी, भी रोज क्लास कराते हैं और बाबा ने सब तरफ रोज का क्लास रखा है क्योंकि मुरली रेगुलर चलती है तो आपको इसलिए कि भाई भाई साहब जो है यहाँ पे कभी कभी आते हैं क्योंकि जब रोज हलवा मिलेगा तो आप बोर हो जाएंगे भाई साहब वेरायटी तैयार करेंगे तब फिर आएंगे ठीक है ठीक है ठीक है ओके थैंक यू बहन जी थैंक यू भाई जी शांति मिनट साइलेंस में बैठे मिनट साइलेंस है सामने महाज्योति को देखें, अपने को ज्योति बिंदु स्वरूप सामने महाज्योति यही हमारा सत्य है मैं भी बिंदु मेरा बाबा भी बिंदु महसूस करी कि मैं इन किरणों के बीच खो गई यही हमारा सत्य है बाकी जो कुछ दिख रहा है वो सब कुछ है है। मुझसे प्रकाश निकलेगा ही तब जब मैं सत्य हूं ঠিক আছে ওম শান্তি শান্তি